हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट ट्विटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यॉर्कशायर वर्सेस डर्बीशायर के बीच में होने वाले कल एक जो इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का मैच है फ्रेंड, उसके बारे में। तो फ्रेंड, यहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन है यॉर्कशायर की तरफ से, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड, स्किप मत करना, डायरेक्ट टीम मत देखना, क्योंकि आप वो स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन है मिस कर लोगे, वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पर बात करते हैं हम पहले स्क्वाड की। तो आप स्क्वाड यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले आप प्लेइंग 11 यहाँ पर देखिए फ्रेंड यॉर्कशायर का, कि वो एडम लिथ, कॉडमोर, विलियमसन, गैरी बैलेंस, ट्रेसल, डेविड विली एंड टिम ब्रेसनन, लियाम प्लंकेट, रफीक एंड पैटरसन। तो फ्रेंड, यहाँ से गायब हो गए हैं आदिल रशीद। यस, तो आदिल रशीद की इन्फॉर्मेशन थी, आदिल रशीद इंग्लैंड की टेस्ट टीम में चले गए, तो इसमें होंगे नहीं। और फ्रेंड, अभी मुझे जैक ब्रुक्स के बारे में श्योर नहीं हूँ कि जैक ब्रुक खेलेंगे या कोई और खेलेगा, क्योंकि अभी तक यॉर्कशायर ने अपना स्क्वाड दिया ही नहीं है। तो फ्रेंड, अगर कल जैसे स्क्वाड आएगा, अगर कुछ बड़ा चेंज होगा, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा चेंज हो सकता है फ्रेंड, यहाँ पर टिम ब्रेसनन को रेस्ट दिया जा सकता है फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही महंगे साबित हुए हैं। पिछले मैच में इन्होंने 5 बॉल में 26 रन चाहिए थे, तो इन्होंने 5 बॉल में 26 रन दे दिए थे और अपनी टीम को हरवा दिया था। तो यानी इन्होंने 2 ओवर में करीब 30-32 रन बिटवा लिए थे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस बार टिम ब्रेसनन को टीम में रखेंगे, या हो सकता है कि रख भी ले फ्रेंड, बट ये रिस्की रहेंगे। बाकी और प्लेयर फ्रेंड सारे सेफ रहेंगे। रफीक बिल्कुल 100% सेफ रहेंगे फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्पिनर है इनके पास, वो है रफीक। तो रफीक को 100% खेलेंगे, लास्ट मैच में उन्होंने अच्छा किया था। पलंकड़ 100% खेलेगा, पैटरसन तो खेलेगा ही, विली, ट्रेसल, बाकी सारे 100% खेलेंगे फ्रेंड। इसमें सिर्फ जैक ब्रुक, वैसे मेरे ख्याल से अगर जैक ब्रुक स्क्वाड में होंगे तो जैक ब्रुक ही कल का मैच खेलेंगे आदिल रशीद की जगह। तो फ्रेंड, प्लेइंग 11 बता दूं मैं आपको डर्बीशायर की। गोल्डन मैन मैकलियर्ड, मैडसन, अनुज दाल, विलियमसन, हर्षल विजोन, क्रिचली, एलेक्स यूज, रामपाल, रियाज एंड फर्गुसन। तो फ्रेंड, ये होगी इनकी प्लेइंग 11। इनकी प्लेइंग 11 मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा इनके साइड से, क्योंकि डर्बीशायर की टीम पिछला मैच यॉर्कशायर से ही जीती है 5 विकेट से, तो अच्छा खासा जीती है फ्रेंड। अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है डर्बीशायर का, मुझे नहीं लगता कि डर्बीशायर कोई चेंज करेगी इस मैच में। तो फ्रेंड, टीम जो मैंने यहाँ पर बनाई है आप लोगों के लिए स्मॉल लीग के लिए, तो वो टीम रहेगी फ्रेंड ये इस मैच के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं विकेट कीपर के साथ गया हूँ गैरी विल्सन की तरफ। आप चाहो तो ट्रेसल को रख सकते हो, बट आपको कोई बड़ा प्लेयर हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट का बहुत बड़ा दिक्कत होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं मैकलियर्ड को लिया हूँ, कैडमोर को लिया फ्रेंड, गोल्डन मैन को लिया एंड विलियमसन को लिया हूँ। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्लेयर मैंने ड्रॉप करना पड़ा है मुझे फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट का आपको बहुत बड़ा इशू आएगा इस मैच में। तो आपको किसी एक बड़े प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ पर विलियमसन को ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो आपको मैकलियर्ड को ड्रॉप करना पड़ेगा, या आपको गोल्डन मैन या किसी एक बड़े प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर किया है फ्रेंड, एडम लिथ को मैंने ड्रॉप किया, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बट मेरे पास क्रेडिट नहीं है फ्रेंड, मेरी टीम मैनेज नहीं हो पाएगी, तो मैंने उनको यहाँ पर ड्रॉप करना अच्छा समझा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं क्रिचली को अपने साथ में रखा हूँ, साथ में मैं यहाँ पर रखा हूँ डेविड विली को, रफीक को, प्लंकेट, रियाज एंड रामपाल। तो फ्रेंड, इस टीम के साथ मैं यहाँ पर जाना पसंद करूँगा। तो ये रहेगी फ्रेंड मेरी हेड टू हेड की टीम फ्रेंड। और बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो डिस्क्रिप्शन है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में फ्रेंड 100% ज्वाइन हो जाइए, जहाँ से मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाऊँगा, और मैं आपको वहाँ पर और भी सारी टीमें दे दूँगा अलग अलग वेबसाइट की, अलग अलग फैंटेसी साइट की भी मैं आपको टीम वहाँ पर देता हूँ। तो लीग एक्स की टीम भी फ्रेंड आपको कभी कभी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। और फ्रेंड, अगर आपको ग्रैंड लीग के लिए टीम चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आना पड़ेगा फ्रेंड। व्हाट्सअप ग्रुप का भी नंबर मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 9165959889। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है फ्रेंड, तो आप मुझे व्हाट्सअप में कर सकते हैं मैसेज, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, एक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।